पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से बलदियाती इंतखाबात में म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 2 मोहल्ला जलालाबाद पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिजल्ट रोकने के खिलाफ रैली और मुजाहरा। इलेक्शन कमीशन DRO RO बलोचिस्तान अवामी पार्टी और जिले इंतजामिया को वोट चोरी के जिम्मेदार करार दे। DRO से फौरी तौर पर रिजल्ट आउट करने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर को फौरी तौर पर ट्रांसफर करने का मुतालबा। पश्तूनख्वा मैप की जानिब से रैली का इनेकाद बाचा खान शो खरनाई से किया गया, जिसकी क्यादत पार्टी जली एग्जेक्टिव अब्दुल मुसव्वर तरीन एडवोकेट ने की, जबकि इस मौका पर सीनियर नायब सदर मलक सलाम तरीन, मलक अमूजान तरीन, मलक गोहर खान लॉन और दीगर भी मौजूद थे। रैली के शुरका ने पूरे शहर का चक्कर लगाया और DRO RO डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जिले इंतजामिया और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। रैली के शुरका ने प्रेस क्लब के सामने पहुंचकर मुजाहरे की शक्ल अख्तियार कर ली। इस मौका पर मुजाहरे से अब्दुल मुसव्वर तरीन एडवोकेट मलक अमूजान तरीन ने खिताब करते हुए कहा कि हरनाई के तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशनों पर 100 वोटरों की धांधली की गई। मोहल्ला जलालाबाद वार्ड नंबर 2 पर पश्तूनख्वा मैप का उम्मीदवार अब्दुल हक तरीन की जीत तस्दीक प्रीजाइडिंग ऑफिसर खुद अपने ऑडियो बयान में कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद रातों रात रिजल्ट को तब्दील किया जाता है। मुकर्ररीन का कहना था कि हम किसी सूरत इस धांधली को तस्लीम नहीं करेंगे। पश्तूनख्वा मैप के पूरे जिले में मैदान मार लिया, अगर कोई खून खराबा हुआ तो इसके जिम्मेदार बलोचिस्तान अवामी पार्टी और DRO होगा। इस बाबत पर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लिहाजा आला हुकाम इसका नोटिस ले। रिपोर्ट कर रहे थे हरनाई से ग्रेट न्यूज के रिपोर्टर नजीबुल्ला शाह।